तोड़ दिया हमने, उसकी डोनी बनाई हमने, उसका पेड़ बनाया, उसका सर बनाया और उसके हाथ नहीं बनाया हमने, उसकी टोपी पहना दी बस। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, तो मैं आ चुका हूँ गांव में और मेरा गांव का फिर से एक फर्स्ट व्लॉग। इधर देखिए पहाड़ों में बर्फ पे बर्फ पड़ रखी है, ये पूरी बर्फ ही बर्फ है, यहाँ ऊपर भी पड़ी थी लेकिन सब गल चुकी है अब, बाकी इधर पड़ी हुई है पूरी, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए हाथ भी कांप रहे मेरे ठंड से, इधर पूरी बर्फ़ पड़ी हुई है, जोगमणि से ऊपर है पूरी सफ़ेद बर्फ़ की चादर। ये आम कुलाऊ में, ये देखिए, और इधर भी पड़ी थी लेकिन गल गई, यहाँ भी थोड़ी थोड़ी दिख रही है अभी, इतनी बची है बाकी कुछ नहीं। सो गाइस अभी अभी हमने नाश्ता किया, मम्मी ने भट की चटनी बना रखी थी और हमने खा ली, और ये भट जो कि मैं खा रहा हूँ। मौसम बिल्कुल ख़तरनाक हो रहा है बार, और लाइट भी चली गई यार, 20% चार्ज है फोन में, अब क्या करूँ, अब ब्लॉग पूरा कैसे बनेगा। जलता हूँ भी जितना बन सकता है, और लाइट आएगी तो पूरा ही बनाएंगे, नहीं तो आधा ही बनेगा। तो आज पूरा दिन दिखाऊंगा मौसम कैसा कैसा चल रहा है और क्या क्या हाल है हमारे उत्तराखंड के, कहाँ कहाँ बर्फ़ पड़ी हुई है ख़तरनाक, ऊपर पहाड़ों में तो ऊपर ऊपर मतलब हिस्से में पूरी बर्फ़ पड़ी है। यहाँ पे भी पड़ी थी लेकिन उस समय मैं गाड़ी में था, मैं घर आ रहा था ना, मैं गाड़ी में था, उधर साइड तो पड़ी रही थी वो रिखनी खाल से आगे, उधर बर्फ़ पड़ रही थी उस समय बाहर ख़तरनाक। मैंने उसमें भी वीडियो बनाई थी, उसकी भी दिखाता हूँ मैं भी, इसके बाद आप पहले उन्हीं को दिखाऊँगा मैं, फिर उसके बाद मैं इधर का दिखाऊँगा पूरा। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पहले रिखनी खाल से आगे जो बर्फ़ पड़ रही थी वो दिखाता हूँ मैं आपको। अरे दोबारा पड़ने लगे हमारे गांव में बर्फ, चाबी तो दे दो, बर्फ बर्फ। रोहित खुश होता हुआ यहाँ पे, डलन से नाच नाच तो नाच, बर्फ पड़ गई और मेरे फोन में बची है 12% बैटरी, और अब फोटो खींचने के लिए मेरे फोन में बैटरी नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ। देखता हूँ मैं लाइट आती है तो हम चार्ज लगाएंगे, और नहीं आई तो बिना फोटो खींचे और ब्लॉग बनाए रहना पड़ेगा, क्या करें जिंदगी काट रहे हैं। इस रोहित के फोन में बनाएंगे फिर अगर बर्फ़ पड़ी गई तो। अभी तो मैं जा रहा हूँ घर क्योंकि बर्फ़ पड़ रही है मेरे सर पे, पर अटक नहीं रही है अभी, आज अभी हल्की फुल्की पड़ रही है और फिर पड़ेगी, अभी पड़ रही है मतलब थोड़ी बहुत, जस्ट चिल ब्रो, पड़ेगी। सो दोस्तों फिर से एक बार बर्फ़ पड़ने लग गई, और अभी थोड़ी थोड़ी पड़ रही है हल्की फुल्की, इसलिए अटक नहीं रही, तो अभी देखते हैं पड़ती है कि नहीं पड़ती, तो देखते रहना और हमारे साथ बने रहना। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं बेदीखाल की तरफ क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है, तो हमने सोचा कि एक राउंड बेदीखाल घूम के आ जाते हैं, मैं और रोहित जा रहे हैं। और इधर देखो ये पूरी बर्फ़ पड़ी हुई है ऊपर पहाड़ों पे, और हम जा रहे हैं ऊपर बेदीखाल, और वहाँ पे हम बर्फ़ के पूरे मज़े उठाएंगे आज। और उधर ऊपर तरफ क्या बोलते वहाँ कालीन का तरफ बहुत ही ख़तरनाक बर्फ़ पड़ी है, तो चलिए अब हम चलते हैं बेदीखाल।
चोरी गांव से ऊपर आ गए। ये है लक्ज़री गांव पीछे। मैं तो पूरी क्या बैट बॉल खेल दियो, हाँ बैट बॉल खेल दियो लक्ज़री गांव। दगड़ियो बराबर पड़ी है दिखा में अभी और है, पर इधर से थोड़ी भी नहीं दिख रही, यहाँ ऊपर दिख रही है थोड़ी बहुत। अब देखते हम जा ही रहे हैं हम बेदिखान देखते हाथ लगती है बर्फ कुछ नहीं लगता वैसे आ जाते हैं तो चलिए अब बेदिखान चलते हैं। और यहाँ चलता भी हो रहा है और बारिश भी छिटाने लग गई, छिटाने लग गई टिप टिप बरसा पानी और हम पहुंच गए जंगल के बीच और यहाँ ऊपर अभी थोड़ी बहुत दिख रही है बारिश हमें, मतलब बर्फ और यहाँ पे हमें शेर बाघ भी मिल सकते हैं तो हम सतर्क रहेंगे अभी। और ये बर्फीला पानी ऊपर से ये रोलों में आता हुआ रोलों में आता हुआ और ये हमारे जंगल है इधर, ये इधर तो नहीं है लेकिन ऊपर है। अभी हम जंगल में बस प्रवेश करने ही वाले हैं। रोहित आगे आगे से भाग रहा है बर्फ़ के लिए और उम्मीद छोड़ दी उसने यहाँ से देख के कि बर्फ़ है भी कि नहीं वहाँ। चलिए देखते हैं हम बर्फ़ मिलती है कि नहीं मिलती हमें, पर वहाँ तो बहुत ख़तरनाक बर्फ़ पड़ी है। तो पहुंच गए हम बेदिखाल और इधर अभी हल्की पुल्की दिख रही है और ये मारने के लिए तैयार हो रखा मेरे को, ये मार भी दिया बच गया। और ये बर्फ दोस्तों आ गए हम बेदिखाल में और इधर बर्फ़ पड़ी हुई है हल्की पुल्की और उस वहाँ उधर दिख रहा है पहाड़ों से पड़ी है खतरनाक। सोच रहे हैं हम वहाँ जाएँ या नीचे इधर ही घूमें अभी, तो देखते हैं कहाँ जाते हैं। और अब हम प्रवेश कर रहे हैं इंटरमीडिएट कॉलेज बेदिखाल में, रुक जा। और हम चले अंदर देखते हैं हम यहाँ पे हमें बर्फ़ मिलती है कि हमें आगे जाना पड़ता है। हाँ फिर मत पड़े इस बार खत्म बर्फ बेड़ गई छेंच रही ना बर्फ फार जाना जरा नहीं होता पर वो मज़ा जल कि नहीं तो इधर अब थोड़ी बहुत ही बची है और आगे है वहाँ बर्फ बहुत खतरनाक पड़ी हुई। लगी नहीं उस पर फिर से मारूंगा वहाँ से हमला करेगा मेरे पर, पहले मैं मार देता हूँ दोस्तों मैं इंटर कॉलेज इंटरमीडिएट कॉलेज बेदिखाल में और यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है और ये ऊपर देखिए छत पे और यहाँ पे रोहित कुछ आनंद लेते हुए अटकी हुई बर्फ़ का। ये मन पड़ी है तैयार ये भाई तो रोहित को यहाँ पे इंटर कॉलेज का रोहित को यहाँ पे सफाई का ठेका मिला हुआ है तो रोहित यहाँ पे ऊपर की बर्फ़ है जो उसको साफ कर रहा है। रोहित को बोला गया है कि जेसीबी का काम तो ये कर ले फिर हम आज तेरे को पैसे दे देंगे। तो रोहित यहाँ पे काम कर रहा है और ये बर्फ़ यहाँ पे काफ़ी और उस वाले पहाड़ पे खतरनाक बारिश मतलब बर्फ़ लेकिन इधर गल चुकी है और दीवा डांड भी दिख रहा है यहाँ से वो
उधर साइड यहाँ, और वहाँ पे भी खतरनाक पड़ी हुई है। और ये यहाँ उल्टे काम कर रहा है, मेरे को मत मार भाई अभी। ये देख क्या हाल कर दिया इसने। तो अंदर वाले गेट में घुस रहे हैं, मेरे को पता नहीं था इतना बड़ा कॉलेज है, आज ही देख रहा हूँ मैं इस कॉलेज को तो। और यहाँ पे कोई है अभी, ऐसा कोई है नहीं, बारिश की बूंदे ऊपर से मतलब। और यहाँ पे देखिए क्या बर्फ खतरनाक लटकी हुई है, मेरे को वैसे ही लगा कुछ कागज है। यहाँ पे देखिए कैसे कागज से लटके हुए हैं, ऐसे जो शादी में डिजाइन बना रहता है ना वैसे। देखिए ये सही है, यहाँ पे शादी के लिए सज गया है। और ये उल्टा काम करेगा यहाँ पे, ये उल्टा काम ना करे। और ये पूरा इंटर कॉलेज, इंटरमीडिएट कॉलेज, ये दिखा यहाँ पे आदर्श राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज बेदिखाल पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड। और यहाँ पे रोहित उल्टा काम करता हुआ, इतना बड़ा हो रखा है जो कि मैं इसको मारूंगा। ये मेरे को मारा अभी। तूने मारा क्यों? जम गई ना उससे लग रही है। हाँ। तो ऊपर ऊपर पड़ी है। मैं यही हूँ। ये भी ऊपर। अरे इसको हम कैसे करेंगे? ये तो हाइट छोटी हो गई। अबे मत यार पल के लम। मैं नहीं पास आ रहा। कैल वालते थे। भेद कालम ही चुवा। हाँ। काकचु भेद कालम। हाँ हाँ ठीक है। लामा मारूंगा मैं लंबा हूँ ना, चल छोड़ रहा हूँ यार। कौन हो? दोस्तों मज़ा नहीं आ रहा, ऐसी बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ पे और ऊपर ऊपर पड़ी हुई है, तो हमारे पास टाइम नहीं है अभी जाने का, अब क्या करें, अब इतने से भी क्या मज़े ले हम, इतने से तो हमारा कुछ नहीं होने वाला, थोड़ी थोड़ी मिल रही है बस, बाकी फोटो खिंचाने के लिए जाना तो इनके छतों पे जाना पड़ेगा। ये देखिए छतों पे पड़ा है, अरे ऊपर छतों में। तो अभी फोटो खींची हमने हाथ पे बर्फ रख के, बहुत सुन हुए, और ये यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है, और ये वहाँ से यहाँ पे गुड्डा बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे गुड्डा बनाते चलो, क्योंकि बर्फ और यहाँ पे है नहीं ज़्यादा। ये क्यों उड़ गए? अरे गुड्डा ठंड हो गए। अरे तू तो जरा सी पहाड़ी 6000 बोलो पर दहा गुना। अबे तो खोटा बाण से मैंने चलो। ये बन रहा है बर्फ का गुड्डा, ये बर्फ जमा कर रहा है। मोर गया क्या? अबे भैम ही बना यार, ले आए थे हम। ये गुड्डा हमारे हाथ में, ये देखो बिंडी मैंने पकड़ दी। हाँ एकम बड़ा चटेल दे गुड्डा थे हमारा सुन नहीं है। अबे उन्नी बनाया यार, दुई खुटा बना पहलवे का, ये तो तोड़। हाँ तो दुई खुटा बनाएगा, चल ये बर्फ है हमारे पास बहुत। हमारा पिछले वाला गुड्डा वो थोड़ा खराब हो गया है, इसके लिए हम माफी चाहते हैं, और इसलिए हम नया बना रहे हैं, आप देखिए। उसकी मैं डोनी बना रहा हूँ।
आर्यन कोहली आपके बना रहे हैं? मैं धोनी। धोनी अरे इसकी धोनी टूट गई, इसकी धोनी तो लगाना पड़ेगा, प्लास्टर करना पड़ेगा, इसकी धोनी मजबूत करनी पड़ेगी जरा। अरे बना क्या वो ये इसके पांव है, ये इसका पेट है और ये इसको सर है, वो सर पे टोपी, वही हमसे इतना ही बनता है। मेरे हाथ ने बिल्कुल सुजन हो गए, लाल हो गए मैं क्या। दोस्तों बर्फ़ में आए हैं और ये हमारे नीचे बर्फ़ ही बर्फ़ है और अब हम इसमें फ़ोटो शूट करेंगे थोड़ा बहुत। और हम आप एक गुड्डा बना रहे थे जो भी देखा आपने, और वो गुड्डा तोड़ दिया हमने, उसकी डोनी बनाई हमने, उसका पेड़ बनाया, उसका सर बनाया और उसके हाथ नहीं बनाया हमने, उसकी टोपी पहना दी बस। अब टोपी पहनाने पे मायर हम टोपी पहना दी हमने उसको और ये यहाँ पे फ़ोटो खींच रहा है। चलो यहाँ पर फोटो खींचते हैं। दोस्तों ये थी बेदिखालने बर्फ़। लोग तो बोल ऐसे रहते, पता नहीं कितना खतरनाक पड़ा हुआ है, बल बहुत खतरनाक पड़ा हुआ है। गए वहाँ पे दिखा भी नहीं हमें बर्फ़, दूर दूर पड़ी हुई ज़्यादा, और हमें कुछ नहीं मिली, जितनी थी ये दिखा दी आपको। और हम जा रहे हैं घर। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना और अपना रिएक्शन ज़रूर बताना कि कैसा था ये ब्लॉग। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।